रॉबर्स केव यानी डाकुओं की गुफा, जिसे स्थानीय भाषा में गुच्छुपानी कहा जाता है। यह गुफा भारत के उत्तराखंड राज्य में देहरादून से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहा जाता है कि जब भारत अंग्रेजों के चंगुल से आजाद नहीं हुआ था, तब डाकू सुल्तान और उनके साथ ही मिलकर अंग्रेजों के सामान को लूट लेते थे और लूटने के बाद इसी गुफा में छुप जाते थे। गुफा में जाने के बाद वो कहां गायब हो जाते थे, अंग्रेज सैनिक इसका कभी पता नहीं लगा पाए। 600 मीटर लंबी इस अंधेरी गुफा को देखकर कल्पना की जा सकती है कि यह डाकुओं के छुपने की सबसे सही जगह हुआ करती होगी। यह गुफा मुख्य रूप से देहरादून का एक पिकनिक स्पॉट भी है। घुटनों तक आने वाले पानी में इस गुफा की सैर करना किसी रोमांचक सफर से कम नहीं है। गुफा के अंदर कुछ छोटे छोटे झरने हैं और ऊपर से हमेशा पानी टपकता रहता है, जिसकी वजह से गुफा में हमेशा पानी बहता रहता है। गुफा में नदी के बहते पानी का नजारा भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। दिलचस्प बात यह है कि किसी को भी नहीं पता कि यह नदी कहां से बहती चली आ रही है। बारिश के मौसम में पानी का प्रवाह भयंकर रूप ले लेता है और वहीं गर्मी के मौसम में बिल्कुल शांत रहता है। एक छोटे से किले की दीवार भी इस गुफा में दिखाई देती है। यह गुफा पूरे उत्तराखंड में मशहूर है, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में पर्यटक यहां आते हैं। रॉबर्स केव में जाने के लिए एंट्री टिकट भी लेना पड़ता है, जो प्रति व्यक्ति 35 रुपए का होता है। गुफा के परिसर में पार्क और स्विमिंग पूल वगैरह भी उपलब्ध हैं, जहां जाने के बाद बच्चे अधिक एंजॉय करते हैं। आप अपनी देहरादून की यात्रा में इस गुफा की रोमांचक यात्रा करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।